अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी दोस्तें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जी मैं आपको टिप बता रही हूँ, सफ़र पे जब जाते हैं सैर करने से एक टिप, सफ़र पे जाने के लिए जो जो सामान आपको चाहिए तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कैसे सफ़र के लिए सामान तैयार किया जाता है। आप ये ना समझे कि मैं सबक पढ़ रही हूँ। आपने सूटकेस में कपड़े रख दिए, अब ये बाकी चीज़ें जो आपने शॉपर्स वगैरह में डालनी है। अब इसमें सबसे पहले आप मेडिसिन लें, मेडिसिन आपने हर किस्म की दर्द की और सारी चीज़ों सारे हमने पैरासिटामोल, ज़ाहिर है वहाँ जाकर भी ज़रूरत पड़ जाती है किसी चीज़ की, इमरजेंसी नहीं है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारा 10-15 दिन का टूर है तो उस हिसाब से हमने मेडिसिन भी ज़्यादा रखनी है, बेडशीट्स भी रखनी है। हमें दो की बेडशीट साफ नहीं होती ज़्यादातर, तो बेडशीट्स, तकिए के कवर हम एक बेड के लिए रखते हैं और एक हम ऊपर लेने के लिए, और तकियों के कवर रखते हैं। बंदे के हिसाब से दो बेडशीट रखें और दो दो तकिए रखें, अगर कंफर्टर रखना है कंफर्टर। हाँ लेकिन जगह ज़्यादा घेरते हैं। हाँ ज़्यादा घेरते हैं। हम क्या करते हैं, हम उनकी जो चादर होती है उसके ऊपर अपनी चादर बिछाते हैं और ऊपर पहले अपनी चादर रहती है, फिर उनके कंबल वगैरह, हाँ कंबल वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि अब कंबल तो अब हमारी सारी पैकिंग हो गई थी अपना उसकी चादरों की। अब मैं अपना सूट रख रही हूँ, सब ने अपने अपनी पैकिंग की है, टी शर्ट भाई आपने अपनी पैकिंग की है, ये सिर्फ मेरी पैकिंग है क्योंकि 10 से 15 दिन हम रहेंगे। अब ये सूट अपना, इसका भी मैं आपको टिप बताती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो भी बड़ी जल्दी जल्दी अपना कर दिया मैंने वीडियो को, बोरिंग हो रही थी ना। हाँ कपड़े तय करते हुए, अच्छा अब जब आप रखते हैं ना कपड़े उनको रोल करके आप रखेंगे, इसके दो फायदे हैं, एक तो इस्त्री भी खराब नहीं होगी। हाँ। जगह भी कम लेंगे। अब मेरा बैग है, इजीली पता भी चल जाएगा ये सूट पड़ा है, सारे खराब नहीं होंगे निकालते हुए। और यकीन करें कहीं भी आपको ना जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस्त्री करने की। और जब आप सैर पे जाते हैं आप सिंपल कपड़े रखें, काम वाले मत रखें, जो बहुत ईजी और आराम से आप उसे पहन सकें। ये नहीं कि जी अपना मोटे कपड़े रख लिए, या फिर उसको जर्सी वगैरह अगर ठंडे वाले इलाके में जा रहे हैं शॉल रखें, एक आधा स्वेटर रख लें, आप भर के मोटे वाला रखें ना। हाँ। फोकस उस पे हो। लोग फैशन के लिए जाते हैं करने के लिए, पिक्चरों के लिए, और ऐसी छोटी छोटी चीजें ले जाते हैं, फिर वहाँ पे सर्दी से घिसर रहे होते हैं। वहाँ से देखा है। हाँ फिर वहाँ से 6,000 की शॉल देते हैं, वो एक जर्सी आपको साथ आता है। मेरा छोटा सा देखो बच्चे, छोटा सा बैग है ना, छोटा सा बैग। हाँ हमने लाइट करने की कोशिश लाइट की है, लेकिन हैवी ही है, हैवी नहीं है। अब जब 15 दिन का टूर है तो उसके हिसाब से है ना सूट भी होंगे, टी शर्ट और जो पैंट मैंने रखी है ना उससे ये होगा कि मैं टी शर्ट अपना चेंज कर लूँगी, और पैंट है ना दो रख ली हैं मैंने, मेरा ख्याल है 2 या 3 रखी हैं, तो उससे यह है कि उसके ऊपर 2-3 ना टी शर्ट अलग से भी पहनी जा सकती हैं। बाकी कुर्ते शलवार मैंने रखे हैं, और जिस तरह ये मैं गोल गोल करके बना के रोल रख रही हूँ ना, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और सब ने अपने अपने बैग तैयार किए हैं। हाँ भाई आपने तैयार कर लिया? सबसे एंड में कर रही हूँ अपना। मैं अपना सबसे एंड में करें क्योंकि सुबह मैंने निकलना है, अभी रात के मेरा ख्याल है 2 बजे का टाइम है, फिर अब नमाज़ पढ़ के 1-1.5 घंटे सोंगे और सुबह हम लोग निकलेंगे। अब जो जो टिप्स मैं बता रही हूँ अगर आप इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह कभी परेशान नहीं होंगे। अब जी मेरा आ गया जी शैम्पू, मेडिसन, टॉयलेट्रीज है, वॉशरूम की चीज़ें, आप तेल भी थोड़ा सा रखते हैं, देखें कोई खाली बॉटल पड़ी हो उसमें डाल लें, कोई भी आप शैम्पू हो गया, ये बॉडी वॉश है, उसके बाद कंडीशनर है, ये लोशन है, क्योंकि ठंडे इलाके में जाते हैं तो लोशन की जरूरत होती है, बहुत जरूरत होती है। अब गाड़ी में भी अलग से निकाल के वैसलीन हो या फिर जो बहुत अच्छे वाला लोशन हो ना, ये नहीं कह रही महंगे वाला, अच्छा, अच्छे वाला जरूरी है, इन्हें अलग रखें, इन्हें बिल्कुल कपड़ों के साथ ना रखें वरना ये निकल भी लीक भी कर जाते हैं। अब ये मैं पता है कि ज़्यादा चीज़ें इसलिए रख रही हूँ, ये सब के लिए इस्तेमाल होंगी चीज़ें, इसलिए ये वाली मैंने बोतलें रखनी, और बाकी ये जो इतना बड़ा है ना टब है कंडीशनर का, तो इसको फिर छोटे वाले में डालो। और कितनी देर लगी मैंने ईद, पता है कितनी देर में बनाई, मेरा ख्याल है इसकी वीडियो बन गई थी तकरीबन 8-9 मिनट की, तो अब इसमें पनल होती है ना वो मिल नहीं रही थी, जिसे कीफ कहते हैं। हाँ तो कीफ से मैं डालती ना आराम से 1 सेकंड में डल जाती। अब ये चम्मच से लगी हुई थी, फिर मैंने है ना जल्दी जल्दी इसको छोटा कर दिया, तेज अपना बना दी ताकि है ना आराम से है ना वीडियो छोटी बन जल्दी तेज, असल में भी इतनी जल्दी डाल रहे होते टक टक टक, ओह बड़ा मज़ा आता। अब ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा रखी हैं वो हम सब घर वालों की हैं, उसके बाद है ना, हाँ बाकी है ना अपनी अपनी चीज़ें सब ने रखी है, ठीक है। ये मेन इलाके में जाके इतना कोई नहाता तो नहीं है, लेकिन इतने लंबे टूर पे आपको एक दो बार देखो, मेरे दो हैं, दो बैग बन गए छोटे जो चीज़ें रखने के लिए, ये हमने अपना स्क्रब रखा है और साथ है ना ये मैंने सुई धागा, सुई धागे सारा कुछ रखना है आपने, और टूथब्रश
ठीक है, दो किस्म के, एक तो आप पुराना रख लें जो आप इस्तेमाल नहीं करते किसी काम के लिए, आपको काम मतलब जूता साफ करना कुछ हो, होता है बाज़ दफ़ा गारे में लग जाता है, फिर मट्टी जब वो गारा खुश्क होता है उससे आप कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें काम आती हैं। और अपनी दवाइयाँ ना भूलिएगा, ये सारी दवाइयाँ मैं इसमें अपना रखूँगी, देखेंगे जो ट्रैवल किट में आता है ना एयरप्लेन की, वो उसमें से ये लिया है, जो नेल का आपको नेल कटर ज़रूर रखें, नेल फाइलर हो गया, स्लीप आई मास्क हो गया जो हम लगा के सोते हैं, रोशनी होती है। अब ये मैं छोटे इसमें रख रही हूँ दवाइयाँ, डिबिया में, डिबिया में मेरी नन्ही सी डिबिया ये हफ्ते की है, इसमें रखूंगी, और बाकी जो मेडिसिन है ना वो उसमें रख दूंगी अपने पर्स में। ये तो घर में भी हम इसमें डाल के रखते हैं आपके लिए, और साथ ये जो हैंडी मतलब पर्स में रखने के लिए, बाकी सारी सारी मेडिसिन दूसरे पाउच में गई हैं, और ये थोड़ी सी अपने हैंडबैग में, और नैना छोटी सी, हाँ छोटा सा अपने छोटे छोटे बैग हैं, इनमें आप अलग अलग बनाएंगे ना चीज़ें, निकालने में आसानी होगी, और जो सब ने मिलकर यूज करनी है। लेपा पोती का सामान तो बताओ। हाँ लेपा पोती का सिर्फ छोटी छोटी मैंने चीज़ें, डिओड्रेंट है, हाँ, और क्रीम है, और एक बस फेस ब्लर है, फेस ब्लर वो अच्छा, लोग जाते हैं ना फुल मेकअप का सामान लेके जाते हैं, मेरे देखे मैंने कितनी जरा सी चीज़ें रखी, लगाते भी नहीं है हम। हाँ नहीं पता क्या, थोड़ी सी लेके जाएं, लोगों को नहीं पता होता। ये बैग इतना प्यारा, हमने इसे इतना यूज़ किया ना दोनों माँ बेटी ने, क्या उसकी हालत ख़राब होगी ना। नहीं हालत फिर भी ख़राब नहीं, इतना चमक रहा है, और ये मेरी बेटी सोदिया से लाई थी, और बहुत अच्छा चलाई गई, अभी भी मैं जाती हूँ ना तो अक्सर मैं इसी में डाल लेती हूँ, मुझे बहुत आसान लगता है। ब्रांड का नाम भूल गई, काफ़ी फेमस ब्रांड का है, बहुत अच्छा है। अच्छा लिपस्टिक्स भी रख ली, कैचर्स भी रख लिए। अच्छा, पूरा मेकअप का सामान ना लेके जाएं, एक दो चीज़ें रखें आप उसमें, तस्बीह पढ़ने वाला भी रख लिया है। पैकिंग हो गई है मुकम्मल, अब इंशाल्लाह फिर मिलेंगे सफ़र में, अल्लाह हाफिज़।